लुक ऑप्शन रेफरेंसेस नहीं कर रही है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है इसमें एबीएस का, ठीक है जी। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये कहाँ काम आता है? मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है जी, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है जी। तो आप चाहते हैं चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनको पॉजिटिव ले। तो एबीएस का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। ओके एब्सोल्यूट। हाँ एब्सोल्यूट फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं सीलिंग और कॉम्बिंग। सीलिंग और फ्लोर दो फॉर्मूले होते हैं, ये यूज होते हैं कैपिंग केस में, जब हमें कैपिंग करनी होती है, ठीक है जी। कैपिंग कैपिंग मींस कैपिंग इन द सेंस दिखाता हूँ। कैपिंग जैसे होती है कि जैसे कोई पैकेट है, जैसे ब्रेड के पैकेट आते हैं 20 आ गए, है ना, उसमें 20 पीस आ गए, ठीक है जी। तो आपको एक नंबर बोल दिया 100, मेरे पास 100 है, कितने पैकेट में आएगा, ठीक है जी। तो नॉर्मली वो डिवीजन वाला जो नहीं होता वही सिस्टम है, बट इसमें एक थोड़ा सा फर्क है दोनों में, सीलिंग और फ्लोर में कहाँ यूज होता देख लेते हैं। जैसे सीलिंग है, सीलिंग क्या है कि पहले मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिया, सिग्निफिकेंस में वो नंबर देते हैं जिसकी कैपिंग होती है, ठीक है जी। अगर मैंने 7 दे दिया तो ये क्या करेगा, 7 दिखाएगा जब तक 7 नहीं आ जाता, ठीक है जी। उसके बाद ये 7 से अगले में चलेगा 14, फिर 21, ठीक है जी। उस 7-7 के ग्रुप में रिजल्ट वही देता जाएगा, जैसे इसमें से 3 पड़ गया तो 7 ही देगा, कैपिंग है उसकी, ठीक है जी। इसको कैपिंग बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपका फ्लोर है, फ्लोर में भी कैपिंग होती है। इसमें क्या है कि जब तक वो डिजिट पूरी नहीं हुई है उससे पहले तक दिखाना शुरू करता है, ठीक है जी। अगली डिजिट आ गई तो उससे अगली वाली वैल्यू ले लिया, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं दिखाता है, ठीक है जी। सेम चीज देते हैं सिग्निफिकेंस 7 का, तो जब तक पूरी नहीं हो जाएगी ये 7 नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। यहाँ पूरा हुआ 7 तो दिखा रहा है, यहाँ पे 14 पूरा हुआ तो 14 दिखा रहा है, ठीक है जी। 7-7 के उसमें तो एक पूरा कर देता है, एक पहले ही दिखा देता है, एक पूरा होने पर दिखाता है। इसका जो एक्चुअल यूज होता है वो ऐसे होता है, डिवाइड बाय उसी डिजिट से कर देते हैं। तो अब इसमें हम क्वेरी बना सकते हैं कि जैसे आपके पास ब्रेड के पीसीज है, आपसे पूछा किसी ने कि कितने, एक नंबर बता दिया कि इसमें कितने पैकेट लगेंगे, कितने पैकेट लगेंगे हमें ब्रेड के, 16 अगर हमें चाहिए, आपने सीधा से कह दिया 3 पैकेट लगेंगे, ठीक है जी। और 3 कैसे लगेंगे, एक पैकेट में भी 7 आ रहे हैं तब। जैसे 16 है तो पैकेट तो 3 ही लाने पड़ेंगे ना आपको, अगर 16 चाहिए तो, है ना। नहीं समझ आया। मान लीजिए आपके ब्रेड के पैकेट हैं वो 7-7 एक में आते हैं, किसी ने कहा मुझे 16 चाहिए, तो आपको कितने पैकेट लाने पड़ेंगे, 3 लाने पड़ेंगे। ओके ओके, एक पैकेट में 7 ब्रेड आ रही हैं। हाँ ओके लाने पड़ेंगे, है ना। इसी तरह से ये भी है, और इसमें कहते हैं कि जैसे मेरे पास 20 हैं, कितने पैकेट बंद पड़े हैं, ठीक है जी। आप कहोगे 2 बंद पड़े हैं, एक खुला हुआ है। ये कुछ कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, बट इनका यूज आपका, कल मैंने आपको वो बताया हुआ डेट एंड टाइम के लिए एक टास्क दिया था सैटरडे संडे, उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है जी। सैटरडे सैटरडे निकालने में इसी फंक्शन का यूज होगा, सीलिंग का, सीलिंग का। हाँ सीलिंग या फ्लोर का इन्हीं में से ही होगा। कैसे यूज होगा ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, हो सकता है समझ आए ना आए। देखते हैं, जैसे कोई गेट है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोई भी डेटा दे दिया, अब मुझे पता लगाना है कि सेकंड सैटरडे कब आ रहा है, ठीक
ठीक है जी, हर मंथ में सेकेंड सैटरडे कब है, तो कैसे पता लगाएंगे इसमें? कोई तरीका ही नहीं है अपने पास तो जी। तो इसका एक एक तरीका हम जान सकते हैं कि अगर हम एक डालें और इसका निकालें कि इस दिन क्या था, ठीक है जी, डेट फॉर्मेट में ये जो डेट है वो है हमारी 1 जनवरी 1900, ठीक है जी, और आपको पता है कि आज तक की डेट इसने वो कर रखी है। तो जब संडे से शुरू हुआ तो हम एक चीज कर सकते हैं, अगर इसकी मैं कैपिंग कर दूं किसी भी डेट की, क्योंकि एक नंबर है, ठीक है जी, अब वो सैटरडे संडे तो 7 पे ही डिपेंड करता है, बीच में मंथ का तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंडे के बाद कोई एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, ठीक है जी, तो कैलकुलेशन वही चलेगी इसमें। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे सेकंड सैटरडे चाहिए तो एक मैं ले लेता हूँ डेट, ठीक है जी, ईयर इससे उठा लेता हूँ, मंथ इससे उठा लेता हूँ, ईयर मंथ आ गया, और यहाँ पे डेट जो है अपनी मर्जी से दे देता हूँ 14, ठीक है जी, ईयर मंथ और 14, 14 क्या हो गई मैक्सिमम डेट हो गई, सेकंड सैटरडे पता लगाना है ना, अब 14 से नीचे में किसी में भी आ सकता है ना, 14 मैंने मैक्सिमम डेट ले ली, कितनी हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से, कैप करना है एक्चुअली, तो मैं फ्लोर लगाता हूं, यहां से नंबर ले लिया, सिग्निफिकेंस क्या ले लूंगा, 14 डिवाइडेड बाय, इसको कर दूंगा 7, नहीं गलत लगा दिया, 14 11 जनवरी आ रहा है, 7 से मैंने इसकी कैपिंग कर दी, और लेटेस्ट डेट दिखाएगा लास्ट वाली जो 7 से वो हो रही होगी, तो 14 का इसने बताया 11 जनवरी, अब ये देख लेते हैं 11 जनवरी 14 को वही था क्या, जनवरी 11, तो देख रहे हैं सेकंड सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये फंडा है सारा, समझ आया नहीं आया? अब देखिए यहां पे क्या दिखा रहा था, जब मैंने इसको 7 से डिवाइड नहीं किया था तो क्या दिखा रहा था मुझे, 7 वैल्यू नहीं आ रही थी, वही आगे दे रहा था, है ना, 7 14 इस तरीके से दिखा रहा था, और इसमें क्या दिखा रहा था, जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक दिखा रहा था, जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक नहीं दिखा रहा था, तो अगला जब तक 7 का मतलब होता है, एक जो हमें ले रहा था वो संडे ले रहा था, तो 7 का मतलब क्या हो गया अपना सैटरडे, ठीक है जी, सीधे सीधे सैटरडे हो गया ना, अच्छा ओके, हाँ तो 7 सैटरडे हो गया, तो मैंने 7 को कैप कर दिया उसको, तो ये क्या मूव करेगा, सैटरडे 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 में मूव करेगा हमेशा। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के साथ 14 ले लिया है, ठीक है जी, 14 मैं मानता हूं कि हफ्ते का अगर कोई भी दिन हो तो क्या है कि 14 के नीचे ही सेकंड सैटरडे पड़ेगा, और सेकंड सैटरडे जो पड़ेगा अगर मैं उसको 7 से कैप कर देता हूं इसकी वैल्यू को, ये देखिए ये वाली वैल्यू को अगर 7 से कैप कर देता हूं, तो जो ये जिस तरह से ये रिजल्ट आ रहा है पूरा होने पर, वही मुझे एक नंबर रिटर्न करेगा, जनरल में देखते हैं, तो ये नंबर रिटर्न किया, तो यहां 7 पूरा हो रहा था लास्ट में, ठीक है जी, तो ये हमें दे गया सेकंड सैटरडे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये 14 वाला कॉन्सेप्ट J2 सेल में जो आपने ये लगाया J2 सेल में, जरूरी थोड़ी है कि मतलब 14 के बाद ही सेकंड सैटरडे है, 7वें दिन पे, सॉरी 9वें दिन पे भी सेकंड सैटरडे गिर सकता है, पीछे की जो डेट है उनमें से किसी में सेकंड सैटरडे आ सकता है, 7 से ऊपर और 14 से नीचे के बीच की डेटों में आएगा, आएगा ना, उसी में ही आएगा, उससे आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है जी,
तो 7 से नीचे और 14 के बीच की वैल्यू लाने का क्या फंडा? ये देखिए, 8 और 14 के बीच में जो आने वाली डेट है कौन सी है? 14 हाँ, समझ रहे हैं? नहीं समझ आया? मेरे को ये समझ आया, के समझ आ गया, पर ये जे में जे वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जे टू का। अभी देखिए, अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है जी, इसमें क्या समझ आ रहा है? और इसको अगर मैं इसमें कर दूं, ये भी वही चीज है ना जो कि 14 हाँ आके सही रिजल्ट दे रही है। अब देखिए, मेरा मतलब ये नहीं कि यहाँ 14 डाला तो इसकी डेट 14 होने से कुछ नहीं होता। मैं खेल रहा हूं इसके पीछे वाली जनरल फॉर्मेटिंग, जनरल नंबर पे, ठीक है जी। तो जब मैं इनको कैप कर सकता हूं तो इसको भी कैप कर सकता हूं, वो 7 पे ही आके रुकेगा। इसको कर रहे हैं तो ये निकल रहा है हमारा सैटरडे। अब देखिए, मैंने 14 ही क्यों ली? मैं क्या करता कि 14 तक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी कि 14 तक ही मेरा शनिवार आ जाता, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं 8 को लेता तो मान लीजिए 9 को अगर शनिवार पड़ता तो नहीं पिक करता वो, तो पिक। हाँ ओके ओके, मतलब 14 14 के नीचे ही शनिवार पड़ेगा। हाँ ये, हाँ ठीक समझ गया। ठीक है ना? तो ये फंडा है सारा, सेकंड सैटरडे का जो ऑप्शन है वो ये। मैं वहां पे 15 भी डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, नहीं कुछ नहीं अंतर तो आना नहीं चाहिए। हाँ उसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा। ऐसा है कि वो 7 के उसमें चल रहा है, ठीक है जी। ओके ठीक, ओके ओके 15-1 बढ़ जाएगा तो फिर वो थर्ड सैटरडे दिखा सकता है। इसी तरह से ही अगर आपको वो चाहिए ना, क्या नाम है, फोर्थ सैटरडे चाहिए, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? 28 डालना पड़ेगा। 28 के नीचे ही पड़ने वाला मैक्सिमम जो 7 से डिवाइड होगा वो ही शनिवार होगा। 25वां हमारा चौथा शनिवार होगा। देखिए, 25 जनवरी, अगर मैं जनवरी देखूं तो 25 जनवरी हमारा चौथा शनिवार है। इसी तरह अगर मैं वहां 21 लूं तो तीसरा शनिवार आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बस ये। हालांकि इसका लॉजिक आप उसमें भी देख सकते हैं, मतलब नेट पे आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने आपको लगा के दिखाया है, ठीक है। ओके ओके अब इसको एक जगह मैं कंबाइंड कर लेता हूँ इसमें, और आप इसको ड्रैग करेंगे सही आएगा रिजल्ट। एक जगह मैं कंबाइंड कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को कहीं और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। और इसमें क्या करता हूँ, यहां से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे J2 की जगह पे डाल दिया, ठीक है जी। तो ये हमारा फुल फॉर्मूला बन गया कि सेकंड सैटरडे किसी डेट में से कैसे आइडेंटिफाई। अभी तो फोर्थ कर रहा है तो हर डेट का आपको फोर्थ सैटरडे बता रहा है। 22 फरवरी, 22 मार्च, 26 अप्रैल, 24 मई, ठीक है जी। सर थोड़ी क्लास में, हाँ तो समझ गए आप, इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है, इसमें काम तो करते हैं। एक और फंडा है वैसे तो, वो वीक नम के थ्रू है, क्योंकि वीक नम निकाल देता है। तो क्या करते हैं कि जो हमारी पहली डेट है उस मंथ की पहली डेट, जैसे मैंने 14 किया था ना वैसे ही पहली डेट ले ली, तो सेकंड सैटरडे क्या पड़ेगा? जैसे उस डेट को आ गया हमारा मंडे आ गया, तो हमारे 7 से 2 फालतू हो गया, ठीक है जी। और सेकंड सैटरडे वाली डेट जो होगी हमारी एक्सपेक्टेड 14 है, उसमें से 2 माइनस करा देंगे, ठीक है जी। हाँ, वो भी फंडा कर सकते हैं कि पहली डेट को निकाल दीजिए कि क्या था, वीकडे जो फॉर्मूला है, और 14 को निकाल दीजिए, 14 की डेट को उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है जी, तब भी निकल आएगा। जैसे आपको करके ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे वीकडे है, ये वीकडे निकाल लिया मैंने, ये बता रहा है चौथा दिन था, ठीक है जी। अब चौथा दिन था, मैंने क्या करना है कि जो मेरी 14 जनवरी है उसमें से वो माइनस कर दूंगा,
ठीक है जी, पर इसमें एक एहतियात बरतना पड़ेगा, ये माइनस चार प्लस वन, ठीक है जी, क्योंकि दिन पूरा पूरा नहीं मैनेज करना, तो ये आपकी डेट आ जाएगी। ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि एक दिन आप वैसे भी काउंट कर रहे हो ना वहां का। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लास्ट वाला एंड ऑफ मंथ, पिछले मंथ का, उसकी डेट को ले लीजिए, फिर माइनस कीजिए, पर आप इक्वल तो एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बनता है, बहुत आसान है, ठीक है जी। तो ऐसे ही लॉजिक थे, हालांकि मैं ये सच बताऊं तो मेरे को खुद भी नहीं पता था इसका लॉजिक क्या होगा। मैं खुद ही नेट पे जब मैंने देखा तो ये नेट पे सर्च करके ही किया था, पर लॉजिक जो बंदे ने लगाया था वो समझना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है जी। ऐसा हर एक का दिमाग इतना तेज नहीं होता कि एक ही बार में लॉजिक फिट हो जाए, ठीक है जी। तो नकल मार मार के ही अकल आती है, ठीक है जी। आगे देखते हैं इसमें और फंक्शन देखते हैं। तो सीलिंग और फ्लोर का तो आप समझ गए होंगे आप। हाँ, सीलिंग और फ्लोर। इसके अलावा हमारे पास होते हैं इवन ऑड के फॉर्मूले। इवन ऑड के फॉर्मूले क्या करते हैं, एक नियरेस्ट इवन नंबर रिटर्न कर देगा और एक नियरेस्ट ऑड नंबर रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। इनका रेफरेंस दे दिया मैंने उसको, तो इसने मुझे दे दिया नियरेस्ट इवन, ये एक 3 5 7 और ये 2 4 6, ठीक है जी। तो इवन ऑड भी रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। इसका भी एक आध यूज दिखाऊंगा आपको और बाद में दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास है कॉम्बिन, या देख लेते हैं पहले, हाँ कॉम्बिन ही देख लेते हैं। कॉम्बिन क्या करता है, जैसे मेरे पास 5 बंदे हैं, उनके कितने पेयर बना सकता हूं। मान लीजिए मुझे पेयर बनाना है 4 4 के, ठीक है जी। तो 5 में कितने डिफरेंट डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, क्योंकि वही एक नाम जो है 4 एक एक बंदे को रिप्लेस करेंगे तो 4 डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप बन सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी टाइप का है। हाँ, प्रोबेबिलिटी टाइप का है। तो अगर मुझे 2 बनाने हैं तो कितने डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, तो 10 तरह के बन सकते हैं। तो कॉम्बिन रिटर्न करता है पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, ओके ओके, पेयरिंग के लिए। दूसरा अपने पास है फैक्ट, फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्ट का फंक्शन है 120। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो वो घटते कम क्रम में मल्टीप्लाई कर देता है हर एक को, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। एक है हमारे पास फैक्ट डबल, ये क्या करेगा, एक छोड़ के मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। जैसे ये 5, फिर एक छोड़ देगा 3 पे आ गया, फिर एक छोड़ देगा 1 पे आ गया, इस तरह से करेगा, ठीक है जी। और अपने पास है इसमें, जैसे हमने पढ़ा होगा LCM और GCD, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अगर लोएस्ट फैक्टर, हाँ हाँ, तो वो उसके भी ऐसे ही फॉर्मूले हैं LCM और GCD करके, ठीक है जी। जैसे कुछ नंबर ले लेता हूँ, 12, हाँ 15 और 24। LCM वैसे मुझे अभी तक खुद नहीं समझ आते हैं, तो दोनों के रेफरेंसेस ले लिए मैंने। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इस सबसे मिनिमम पे जो इनका जो कट के आएगा ना, जो मिनिमम वैल्यू का मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसी तरह से GCD होता है आपका, तो हाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल होता है, ठीक है जी। अब इनमें कॉमन डिवाइड करने वाला कौन सा हो सकता है, 3 ही हो सकता है, ठीक है जी। तो GCD LCM यूज होते हैं अपने पास। देन ये कॉस साइन थीटा ये सब नहीं बताऊंगा, मुझे खुद भी नहीं आते, ठीक है जी। अब बात करते हैं उसकी,
राउंडिंग के, राउंड के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिए वैल्यूज, तो राउंड के लिए पहला फंक्शन क्या यूज करते हैं, राउंड अप, ठीक है जी, या राउंड ही करते हैं, राउंड अप तो अलग, राउंड राउंड और कितने डिजिट तक राउंड करना है, तो मैं 0 डिजिट तक राउंड करना चाहता हूँ, राउंड कर दिया। ये अपनी समझ से राउंड करता है, अगर 5 से ऊपर के नंबर हैं तो ये 1 बढ़ा देगा, और कम है तो ये मतलब 5 से ऊपर पे बढ़ाता नहीं, ठीक है जी। राउंड अप भी होता है हमारे पास, राउंड डाउन भी होता है, ठीक है जी। राउंड अप हमेशा अप में राउंड करता है, इसको राउंड अप कर देता हूं मैं, तो ये चाहे 10.1 क्यों ना हो ये 11 ही दिखाएगा, ठीक है जी। राउंड डाउन चाहे 12.9 क्यों ना हो ये डाउन ही दिखाएगा, मतलब एक बढ़ा के ही दिखाएगा। अब जब आप हाँ, जब आपको पैसा किसी से लेना हो तो राउंड डाउन यूज करते हैं, देना हो तो राउंड अप यूज करते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास इंट भी फंक्शन है, जिसका मतलब है इंटीजर, इंटीजर में करेंगे वैसे ही राउंड कर देता है, ठीक है जी। इसमें डेसिमल चूज नहीं कर सकते, ये वैसे ही राउंड करेगा, बट ये राउंड डाउन की तरह ही चलेगा, ठीक है जी। ओके, ट्रंक का फंक्शन है, ये भी यूज होता है, बट ये भी राउंड डाउन की तरह ही चलता है, ठीक है जी। इसमें नंबर ऑफ डिजिट चूज कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। राउंड डाउन की तरह काम करता है, देखिए ये सारे फॉर्मूले थे, फिर ये इंट और ट्रंक का क्या, ये कहां से आ गए? ये एक्चुअली इंटीजर जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, काम वही कर रहा है बेशक से, बट इसकी मतलब अलग है। इंटीजर वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनके आगे जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डेसिमल कंटेन कर सके, ठीक है जी। ये इनकैपेबल है डेसिमल को होल्ड करने में, तो इससे अपने आप ही छूट जाता है डेसिमल, ठीक है जी। दूसरा ट्रंक है, ट्रंक कहता है कि मैं जबरदस्ती छोड़वा दूंगा, ठीक है जी, ट्रंक करना वैल्यू को, यह एसक्यूएल सर्वर में यूज होती है ट्रंकेट कमांड, मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना, ठीक है जी। तो वो है, मतलब अलग अलग है, काम बेशक एक ही कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये राउंडिंग के ऑप्शन आप इसमें यूज करते हैं, देन आगे देखते हैं इसमें। जैसे हम पाई यूज करते हैं, ठीक है जी, पहले हमने पढ़ा होगा कि पाई आर स्क्वायर, एक उसका वो निकालते थे हम रेडियस, रेडियस मोस्टली 7 ही होती थी, तो पाई आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। पाई का फंक्शन, ठीक है जी, आर स्क्वायर में आप ऐसे कर लीजिए और दो बार आर लगा दीजिए, ठीक है जी, तो वही रिजल्ट दिखाएगा। पाई के साथ ही जैसे आप आर स्क्वायर ही करना चाह रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि हम एक पावर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये और इसकी सिंबल भी, हाँ सिंबल भी होता है ना पावर का, पावर का, हाँ वो कैरेट साइन होता है स्क्वायर के लिए, हाँ कैरेट और ये, हाँ कैरेट भी है और फॉर्मूला भी है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला है SQRT, ठीक है जी, स्क्वायर रूट निकाल देता है SQRT करके फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में जैसे भी जिस भी फंक्शन की आपको जरूरत पड़ती है तो मोस्टली इसमें आपको मिल ही जाता है उस तरह से, ठीक है जी। रैंडम, रैंड का फंक्शन,
रेंट का फंक्शन क्या करता है, जीरो से वन के बीच में रैंडम वैल्यूज देता रहता है अपने आप, ठीक है जी। ओके अब रेंट बिटवीन क्या करता है, दस से नब्बे, मतलब बॉटम और टॉप कैपिंग होती है इसके अंदर, कि इनके बीच का ही आना चाहिए कोई रैंडम वैल्यू, ठीक है जी। पर ये जो रैंड बिटवीन है ना, आधारित इसी पे ही है, रैंड के फॉर्मूला पे। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला बाद में आया, पहले यही काम रैंड रैंड के फॉर्मूले से किया जाता था। तो ये कैसे किया जाता था, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको, अकाउंट नेट पे। उसका रियल लॉजिक देखना है ना, कि उसको कैसे कैप किया है इसमें 0.1 और उसके बीच की वैल्यू को। तो यहाँ पे इसमें VBA में ये फंक्शन है, क्योंकि VBA में रैंड बिटवीन नहीं चलता है, ठीक है जी। तो इसमें मैं निकालता हूँ वो वाला, उसके अंदर वो फॉर्मूला मिलेगा। मैं अच्छा अल्फाबेटिक आ गया ये, तो R R&D करके फंक्शन है इसमें VBA में रैंडम का, और ये यूज करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला, ठीक है जी। रैंड बिटवीन के लिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अब इसमें कह रहा है इंट का फंक्शन तो है ही, नॉर्मली काम करता है, ठीक है जी। देन अपर बाउंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड वो है जैसे अपर बाउंड है अपना 90, ठीक है जी। लोअर बाउंड हो गया अपना 10, और यहां लोअर बाउंड फिर से डाल दिया 10। बीच में मैं फंक्शन डाल देता हूं रैंड वाला, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो कि ये करने वाला है रैंड बिटवीन, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो 10 से 90 के बीच की आएंगी, ठीक है सर। फॉर्मूला भी आपको इसी शीट के साथ दे दूंगा, और देखते हैं इसमें बेस जो है ना, पहले हमारे पास यही फॉर्मूला ही होता था, तो उससे ये लॉजिक डेवलप किया गया था, तो इसी फॉर्मूले को रैंड बिटवीन में डाल दिया गया। अब जब रैंड बिटवीन आ गया तो लोग इसको भूल गए, पर ऐसी भी चीज हुआ करती थी। हाँ हुआ करती थी, अभी भी है, लगाने वाले अभी भी यही लगाते हैं। VBA में आप यही लगाएंगे अगर लगाना हुआ तो कभी। ओके तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे देखते हैं, आगे कोई मिलता है। सम समय वाले देखते हैं, सम का फंक्शन आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं। सम इफ किसी यूज होता है, सम इफ आता है आपको, शायद आता है, है? और शायद सम इफ नहीं, चलिए मैं दोनों फंक्शन आपके समीप वाले जैसे क्लियर कर देता हूँ। समीप जो है ना, कई बार पाइवट टेबल वाला काम करता है, जब आपको समरी क्रिएट करनी होती है तो उस केस में समीप के फॉर्मूले काम आते हैं, या वैसे ही जाननी है आपको। मान लीजिए इसमें से मुझे इन चारों की अब समरी बनानी है, यहाँ पे किसे समरी कितनी है, तो इसको मैं करूंगा सम इफ। सम इफ में पहली चीज होती है रेंज, ठीक है जी। रेंज कौन सी, जिसमें आप अपना क्राइटेरिया डालेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज मेरी ये हो गई। आप वैसे भी चूज कर सकते हैं, मैं मोस्टली ऐसे ऊपर से चूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। बट लॉकिंग का ख्याल रखना पड़ता है जब आप ऐसे वैसे कर, काउंट इफ भी होता होगा फिर। हाँ वो भी बताऊ, यहाँ क्राइटेरिया दे दिया मैंने, ठीक है जी, कि जहाँ ये हो, और फिर सम रेंज क्राइटेरिया दे दिया कि ये होना चाहिए, रेंज दे दी क्राइटेरिया, फिर सम रेंज जो सम करना है, सम रेंज मैंने ये दे दी,
पूरी सी वाली सेल्स वाली। तो अब क्या आएगा, जितनी भी संदीप की वैल्यू हाँ वो यहाँ हो जाए। ठीक है जी। तो सबका ये एक तरह की समरी बन गई। अब मान लीजिए क्राइटेरिया मेरे पास ज्यादा है, ठीक है जी, कुछ एक की वजह सिटी में भी निकालनी है। अब जैसे मेरा एक क्राइटेरिया हो गया पलवल, और मुझे सबकी निकालनी कि पलवल में कितनी सेल है इन सब लोगों की, अगर है तो, ठीक है जी। और क्राइटेरिया ये होने चाहिए, तो दो क्राइटेरिया आ गए सम इफ्स। तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स का यूज करते हैं, बट इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि सम रेंज ये पहले मांगता है, ठीक है जी। सम रेंज आपको पहले दे देनी है, बाकी उसके बाद क्राइटेरिया वन रेंज और क्राइटेरिया वन इस क्राइटेरिया टू रेंज क्राइटेरिया टू आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया वन रेंज ये है, क्राइटेरिया टू ये है। क्राइटेरिया टू रेंज कौन सी है, सिटी वाली है, और क्राइटेरिया टू ये है। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, तो जब ड्रैग करूंगा, ठीक है जी, यहाँ आ गई वैल्यू, ड्रैग करूंगा जिसकी होगी उसकी आ जाएगी, ठीक है जी। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ आप इसमें वर्क कर सकते हैं। इसी में काउंट इफ यूज करके देख लेते हैं। काउंट का नॉर्मल तो आपको पता ही है कि काउंट क्या काम करता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। काउंट की पहले इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जो नॉर्मल आप काउंट करते हैं ना, काउंट करके जो मैं अगर रेंज दे दूं तो ये मुझे 31 दिखा रहा है, ठीक है जी। बट एक्चुअल किया क्या है इसने, काउंट जो किया है वो नंबर्स की है खाली, अल्फाबेट्स नहीं किए हैं। अगर आपको अल्फाबेट्स भी काउंट कराने तो काउंट ए लगाइए, ठीक है जी। अब बता रहे 32, ठीक है जी। तो अल्फाबेट्स के लिए काउंट ए है, इसी तरह एवरेज एवरेज ए, मिन मिन ए, इस तरह से भी फंक्शंस है, ठीक है। वो जब आएगा जब बताऊं। एक और फंक्शन है अपने पास काउंट से रिलेटेड, काउंट ब्लैंक का, ठीक है जी। जितनी खाली सेल्स हैं वो सिलेक्ट करके आपको बता देगा, 8 खाली सेल, ठीक है जी। किसी भी डेटा में जितनी खाली होंगी वो बता देता है। देन अब देखते हैं काउंट इफ। अब काउंट इफ टोटल संदीप की वैल्यूज कितनी है, टोटल कितना रिकॉर्ड है, तो रेंज और क्राइटेरिया। एक मिनट, ओके, F4 की जगह मैं सीधे संदीप टाइप करूं तो नहीं चलेगा? कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके, इनवर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, इनवर्टेड कॉमा का लफड़ा रहता है। हाँ, एक और चीज, जब आपने टेक्स्ट का जिक्र ही किया तो मैं और भी चीज बता दूं। अब जैसे हम फिल्टर में करते हैं ना, बिगिनिंग विद एस, ठीक है जी, इससे शुरू होने वाले सारे बता दें, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके बीच में ना एस से शुरू होने के बाद आप स्टार लगा दीजिए, ये स्टार, ठीक है जी। तो एस से बीच में एस आ रहा होगा वो काउंट नहीं करेगा, जो एस से स्टार्ट हो रहा है बस उसको काउंट करके देगा। स्टार का मतलब है जैसे मैंने डाला एस, और स्टार का मतलब आगे कुछ भी हो, ठीक है जी। ओके, अब एंडिंग विद एस की बात करें तो क्या करेंगे, आगे कुछ भी हो स्टार लग गया, और एंडिंग विद यहां पे एच दे देता हूं, एंडिंग विद एच होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप कहें कि बीच में, मतलब बीच में हो, आगे हो, पीछे हो, कहीं भी हो, कंटेन्स, तो दोनों साइड स्टार लगा दीजिए अपनी स्ट्रिंग के, ठीक है जी। कि W कहीं भी हो, आगे हो, पीछे हो, तो पूरे टेक्स्ट, तो वो बता देगा आपको कि 9 ऐसे है रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। ओके, पर 9 क्यों आ रहा है, 9 8 ही आना चाहिए, हाँ नहीं 8 आना चाहिए ना। देखिए ना, यहां से मैं कंटेंस वाले निकालता हूं, कंटेंस डबल 9 आ रहे हैं यहां पे, हाँ ओके ओके। तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका ऐसा नहीं है कि यही यूज कर सकते हैं, सम इफ में भी यूज कर सकते हैं ये सब।
समीप में भी कह सकते हैं कि एस से चालू होने वाले आप वो कर दो, इसमें मैं बस वो क्राइटेरिया बदल सकता हूँ, एस स्टार इस तरह से, तो ये अलग टोटल दिखाएगा ये, ठीक है जी। तो ये क्राइटेरियाज आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम इफ काउंट इफ में ये होता है, काउंट इफ में अभी आपने सिंगल क्राइटेरिया देखा, ठीक है जी, अब डबल क्राइटेरिया देखते हैं, काउंट इफ। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, इसमें क्या होता है कि कई बार होता है हमें नाम के बीच में कंफ्यूजन होता है, अब ये नहीं पता होता कि जैसे एस संदीप है, इसमें ए है कि यू है, गड़बड़ है, नहीं मालूम क्या है, तो जहां लाइन कंफ्यूजन लगे वहां पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, तो भी आपको रिजल्ट दिखा देगा। ये सिर्फ एक डिजिट के लिए होता है, बाकी सेम एग्जैक्ट होना चाहिए, बट आपको ये नहीं पता यहाँ पे कौन सी डिजिट है, ए है, यू है, आई है, ई है, कुछ भी, तो जहां कंफ्यूजन हो वहां वो लगा सकते हैं। अब या यहाँ पे आपको नहीं पता कि डबल ई है कि क्या है, इस तरह से, ठीक है, तो उनकी डिजिट रिप्लेस करके ये बता देगा, ठीक है जी। या आपको ये पता लगाना है कि यार चार डिजिट वाले नाम कितने हैं, इनको हटा दीजिए, चार डिजिट वाले नाम कितने, ये दे दिया तो ये बता देगा एक ये चार डिजिट का नाम कौन सा वाला है, देखें कंटेन्स, यहाँ पे भी स्टार, ठीक है जी, यहाँ पे भी आप वही सारा दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी फिल्टर नहीं किया, नेम ही है ना, केवल नेम नाम ही केवल चार डिजिट का, इसलिए एन एम ई। हाँ, अच्छा 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 जब भी तो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है जी। हाँ तो पांच डिजिट वाले देख सकते हैं, दस नाम है पांच डिजिट वाले, ठीक है जी। ये क्राइटेरिया आपको दिख जाता है, इसमें काउंट इफ्स देखते हैं, काउंट इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया लगते हैं, हाँ, और काउंट इफ और काउंट इफ्स चाहे नंबर हो चाहे ब्लैंक हो सब काउंट करते हैं, अल्फाबेट हो या नंबर हो, ठीक है। ओके, अब इसमें क्राइटेरिया वन रेंज क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया वन रेंज ये ले ली मैंने, क्राइटेरिया यहां से ले लिया, क्राइटेरिया टू रेंज मैंने ये ले ली, क्राइटेरिया यहां से ले लिया, बट अभी तो ये काउंट करके बताएगा, चलिए अब फिर उसके बाद मैं ये करता हूं कि एक और क्राइटेरिया दे देता हूं, क्राइटेरिया थ्री रेंज मैंने सेल्स वाली ले ली, और इसके क्राइटेरिया में मैंने कहा है कि ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए सेल्स, ठीक है जी, वो इस तरह से लगेगी अगर इसमें कंडीशन लगानी है, समीप में भी इसी तरह से लगती है कि इनवर्टेड कॉमा के बीच में आप ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसमें प्राइमरी देने की जरूरत नहीं कि किससे बड़ी हो या किससे छोटी हो, ठीक है जी। तो ये बता रहा है एक ही वैल्यू है, ठीक है जी, तो मान लीजिए पलवल हो जाता है और ये बड़ी हो जाती है 50 से, तो दो वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्राइटेरिया में ही हमेशा इसका यूज होता है इस तरह की कंडीशन। ओके ओके, बाकी देखते हैं और कुछ बचा था नहीं मेरे हिसाब से, तो हो गया एक फंक्शन, हाँ, सम प्रोडक्ट, मान लीजिए रेट और क्वांटिटी है, रेट और क्वांटिटी है तो अमाउंट निकालना पड़ता है हमें, ठीक है जी, यहां मैंने निकाल दिया अमाउंट, ठीक है जी, यहाँ अमाउंट निकाल दिया, और फिर यहां नीचे क्या किया मैंने, यहाँ पे नीचे उसका सम कर दिया ग्रैंड टोटल करके, है ना, तो
अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं ये चीज ये कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा, मैं ये सारी चाहता हूँ डायरेक्ट मुझे प्रोडक्ट दिखा दे, ठीक है जी, ग्रैंड टोटल। तो इसके लिए फंक्शन है सम प्रोडक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट उसमें रेट चूज किया, मतलब आपस में इनको मल्टीप्लाई करे और फिर लास्ट में सम करके दे दे, जरूरी नहीं कि रेट क्वांटिटी करके ही करना है, तीन पे भी काउंट हो सकता है, चार पे भी काउंट हो सकता है, कितने भी अरे इसमें दे सकते हैं, रिजल्ट वही दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम प्रोडक्ट। एक और चीज होती है इसमें, कोई नंबर वाला ले लेते हैं, जैसे आपने वो देखा है एक्सेल वेक्सेल को जैसे निकालते हैं, तो रोमन डिजिट, तो रोमन डिजिट आप इसमें कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रोमन का फॉर्मूला, ठीक है जी। अब ये बताइए कि इन नंबर्स को क्या करते हैं, अगर ये रोमन है तो इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 एलजेब्रिक मैथमेटिक और एलजेब्रिक नहीं, ये किसी का पैटर्न है, बट इसका ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, 2013 में ही या 10 में आया है मेरे ख्याल से ये फंक्शन, तभी मुझे भी पता पड़ा कि इसको कहते क्या है, हालांकि बचपन में हमें पता था फिर भूल गए हम लोग। तो ये था अपना रोमन, यहां इसने निकाल के दिया रोमन, और रोमन से जब आपने उल्टा करना है तो अरेबिक है, ठीक है जी, इसको कहते हैं अरेबिक। तो ये आपका फंक्शन 2007 में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने मैथ के फॉर्मूले। इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को, बाकी फिर आपको